सब्सक्राइब कीजिए चैतन्य एजुकेशन चैनल को और बेल आइकन दबाइए ताकि कोई भी नई वीडियोस आपसे मिस ना हो। नोटेशन ऑफ फैक्टोरियल, नोटेशन ऑफ फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल क्या होता है? जैसे नेचुरल नंबर होते हैं, है ना, रियल नंबर होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर भी पढ़ लिया होगा अब तो आपने, तो इसी तरह से फैक्टोरियल है, ये भी एक तरह का नंबर है, है ना। आप ऐसे बोल दो एक फॉर्मूला है, लेकिन ये बेसिकली एक तरह का नंबर है जिसको कैलकुलेट करने का एक तरीका है। तो ये होता क्या है, इसका डेफिनेशन मैं लिख देता हूँ। इसका डेफिनेशन क्या है, फैक्टोरियल n, तो किसी भी नंबर का होता है, फैक्टोरियल n इज द नंबर विच इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। पहले n नेचुरल नंबर्स को मल्टीप्लाई करके जो नंबर आता है उसको फैक्टोरियल n बोलते हैं। कैसे लिखा जाता है, रिटन एज n फैक्टोरियल या फिर फैक्टोरियल n, ठीक है। तो ये होता है, तो फैक्टोरियल n ये क्या होता है, जैसे बताया फर्स्ट n नेचुरल नंबर का तो कितने, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 से लेकर n तक, इसके पहले क्या आएगा, n माइनस 1, ये होता है। लेकिन हम इसको उल्टा लिखते हैं, उल्टा लिखते हैं वहाँ से, क्योंकि वहाँ से लिखना थोड़ा आसान रहता है। तो फैक्टोरियल 4 है तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 होगा 24। फैक्टोरियल 5 कितना होगा, 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 24 5 है 120। इस तरह से आप निकाल सकते हो फैक्टोरियल 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, सो कैलकुलेट करना 720 आ जाएगा। थोड़ा ऊपर जाते हैं, फैक्टोरियल 3, 3 इंटू 2 इंटू 1 6, फैक्टोरियल 2, 2 इंटू 1 2, फैक्टोरियल 1, 1 अकेले 1 आएगा, फैक्टोरियल 0। जो ये आपका फैक्टोरियल n लिखा है, यहाँ पर n क्या क्या हो सकता है, जो फैक्टोरियल n है इसमें जो n है ये आपका होल नंबर है, होल नंबर है। तो n क्या है, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, नेगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए, और n फ्रैक्शन वगैरह ये सब नहीं होना चाहिए, सिर्फ होल नंबर होना चाहिए। होल नंबर क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ज़ीरो भी आ जा रहा है इसमें, है ना। लेकिन यहाँ पर मैंने लिखा है कि फर्स्ट n नेचुरल नंबर, तो मल्टीप्लाई तो हम पहले n नेचुरल नंबर को ही कर रहे हैं, जीरो से तो कर नहीं सकते ना, जीरो से कर दिया सब जीरो हो जाएगा, है ना, तो जीरो से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, इसलिए फर्स्ट n नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करके आता है। लेकिन इसमें जो n है वो होल नंबर होता है, मतलब जीरो भी हो सकता है। अब फैक्टोरियल जीरो की वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो फैक्टोरियल जीरो जो होता है आपका वन होता है। कैसे आता है देखो, तो देखो फैक्टोरियल सिक्स पता है मुझे, फैक्टोरियल सिक्स से फैक्टोरियल फाइव कैसे आएगा, जब आप इसमें सिक्स से डिवाइड कर दोगे, फैक्टोरियल सिक्स से फैक्टोरियल फाइव आया जब आप सिक्स से डिवाइड कर दोगे, फैक्टोरियल फाइव से फैक्टोरियल फोर आएगा जब आप फाइव से डिवाइड कर दोगे, फैक्टोरियल फोर से फैक्टोरियल थ्री आएगा जब आप फोर से डिवाइड करोगे, है ना, फिर फैक्टोरियल थ्री से फैक्टोरियल टू कब आएगा, जब आप इसमें टू से डिवाइड करोगे। देखो इस तरह से चल रहा है, छः पाँच चार, इसमें थ्री से डिवाइड करेंगे थ्री, फिर फैक्टोरियल थ्री से फैक्टोरियल वन कैसे आएगा, फैक्टोरियल टू से फैक्टोरियल वन कैसे आएगा, जब आप इसमें टू से डिवाइड करोगे। तो जब आप इसमें वन से डिवाइड करो तो फैक्टोरियल जीरो आ जाना चाहिए, देखो वन है, वन में वन से डिवाइड किया तो वन आ गया, इस तरह से इसका प्रूफ है। जस्ट एक सीरीज जैसे ऑब्जर्वेशंस की तरह इसका प्रूफ है, और इसका मैथमेटिकल प्रूफ है, लेकिन उतना अभी आगे आएगा तो हम उसमें बताएंगे, ठीक है। तो अभी इस तरह से आप जस्ट एक फील कर सकते हो, एक फील कर सकते हो कि फैक्टोरियल जीरो की वैल्यू वन होती है।
ठीक है। तो इस पर कुछ क्वेश्चन हैं, कुछ फॉर्मूले हैं, तो कुछ फॉर्मूले हैं आपके फैक्टोरियल से रिलेटेड। एक ही फॉर्मूला है जो इम्पॉर्टेंट है, तो क्या है, जो फैक्टोरियल 2n है, तो फैक्टोरियल n तो मैंने बताया है n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू इंटू एन माइनस थ्री से लेकर 5 इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन, ठीक है। फैक्टोरियल 2n कितना होता है, इसको लिख सकते हो आप 2 पावर n, इस 2 को बाहर निकाल लिया, पावर क्या आती है जो यहाँ पर लिखा हुआ है, अंदर फैक्टोरियल में क्या बचता है, n बचता है, अंदर फैक्टोरियल में n बचता है, और ये मल्टीप्लाइड होता है कितने, किससे, ऑड नंबर से, कितने ऑड नंबर से, n पता है तो 2n माइनस वन ऑड नंबर से, ठीक है। जैसे मान लो फैक्टोरियल आपको निकालना है, 4 निकालना है, तो हमें पता है 4 × 3 = 12 = 24 24 होता है, इसको लिख सकते हो 2 इंटू 2, तो 2n वाला फॉर्मूला लगा दिया अगर मैंने, तो 2 बाहर आ जाएगा, पावर क्या आ जाएगी, पावर क्या आ जाएगी, n यहाँ पर 2 है और फैक्टोरियल n यहाँ पर 2 है और ऑड नंबर्स, तो n का वैल्यू 2 है, तो कितने ऑड नंबर आ जाएंगे, 2 रखो, 2 × 4 − 1 = 3, 3 तक ही जाना है, 1 × 3, तो ये आ गया आपका 2² × 4 × 2 × 3 = 24, ठीक है। इसका प्रूफ भी देख लो, तो प्रूफ कैसे है, ये फैक्टोरियल 2n, तो मुझे फैक्टोरियल 2n की वैल्यू निकालनी है, तो 2n होगा क्या, 1 × 2 × 3 × 4 × 5 = 2n तक मैं सबको मल्टीप्लाई करूँगा, इससे पहले क्या आएगा 2n − 1, इससे पहले आएगा 2n − 2, इन सबको मल्टीप्लाई करना है तो ये आ जाएगा। तो अभी मैंने क्या किया, सारे ऑड नंबर को एक साथ रखा, ठीक है, 1 × 3 × 5 × 7 से लेकर कहाँ तक आ जाएगा, 2n − 1, ऑड नंबर्स को साथ में रखा, इवन नंबर्स को साथ में रखा, 2 × 4 × 6 से लेकर 2n − 2 × 2n, ठीक है। तो ये एज इट इज़ लिखा हुआ है ब्रैकेट में, ये मल्टीप्लिकेशन लगा है ना, कन्फ्यूज़ मत होना, डॉट नहीं है ये, डेसिमल नहीं है, किसी एक नंबर में इतने सारे डेसिमल थोड़े होते हैं, है ना, तो डॉट लगा है, मतलब उसको लगाने का, वो मल्टीप्लिकेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि इतने सारे मल्टीप्लिकेशन भी नहीं लगा सकते। तो 2 × 4, तो इसमें क्या किया, हर एक में से 2 बाहर निकाल लिया, ठीक है। तो यहाँ से ये लिखा है आपका 2 × 1 डॉट, ये लिखा है 2 × 2 डॉट, 2 × 3 डॉट, इस तरह से 2 बाहर निकाल लिया, n − 1, ये लिखा है 2 × n, तो देखो कितने टर्म्स लिखे हुए हैं, पूरे 2n थे, आधे मैंने इधर लिख दिए, आधे इधर लिख दिए, तो कितने हो जाएंगे, n हो जाएंगे। अगर आधे हैं, n टर्म्स हैं, तो हर एक में एक एक 2 है, तो हर एक में एक एक 2 है, तो हर एक से एक एक 2 बाहर निकाल लिया, तो क्या आ जाएगा बाहर, 2 पावर n आ जाएगा, यहाँ बचेगा आपका 1, 2, 3 से लेकर n तक बचेगा। और ये लिखा क्या है, अब ध्यान से देखोगे तो ये फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन जो होता है फैक्टोरियल n। तो ये था आपका 1, 3, 5, 7 से लेकर 2n − 1, तो क्या होगा, ये आ गया आपका 2 पावर n, और ये लिखा है फैक्टोरियल n मल्टीप्लाइड बाय 1, 3, 5, 7 से लेकर 2n − 1, ठीक है, सिंपल है। तो ये आपका प्रूफ है इसका। अब इस पर एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं इस पर, है ना। तो क्वेश्चन इज इफ फैक्टोरियल 100 कैन बी रिटन एज 2 पावर m इंटू आई, वेयर आई इज ऑड नंबर, देन वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ m। अच्छा क्वेश्चन है, करने के दो तरीके हैं, इसको दो तरीके से कर सकते हो आप। तो अभी तो एक सीधा तरीका देखते हैं, सीधे तरीके से कैसे करते हैं, उसके बाद एक चालू वाला तरीका भी है।
तो फैक्टोरियल 100, तो फैक्टोरियल 100 निकालना है मुझे। अब ऐसे कोई सोचे चलो मैं फैक्टोरियल 100 कैलकुलेट कर लेता हूँ, उसमें सब में दो दो निकाल लेता हूँ, देख लेता हूँ दो की पावर कितनी आ जाएगी, देख लेंगे हम, नहीं देख पाएंगे ना, वैसे नहीं होगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अभी जो हमने पढ़ा है फैक्टोरियल 2n, उसको यूज़ करके इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो फैक्टोरियल 100 इसको लिख सकता हूँ मैं फैक्टोरियल 2 × 50, तो n कितना हो गया, 50 हो गया, वो फॉर्मूला लगा दिया, कितना आ जाता है बाहर, कितना आता है 2 power n, तो 2 power 50 फैक्टोरियल, कितना बचता है n का फैक्टोरियल बचता है 50 मल्टीप्लाइड बाय 135 से लेकर कहाँ तक जाएगा, n की वैल्यू 50 है, 2n-1 तो 99 तक जाएगा, 2 × 50 - 100 - 1 99 तक जाएगा, ठीक है, 2 power 50। फिर से जो अंदर वाला 50 उसको लिख दिया 2 × 25, और यहाँ पर ऑड नंबर्स मल्टीप्लाइड है 99 तक, फिर 2 power 50, फिर इसमें फॉर्मूला लगा दिया फैक्टोरियल 2n, तो 2 power n, अभी n कितना है 25, अंदर कितना बचेगा 25, तो एक तो ये ऑड नंबर थे 135 से लेकर 99 तक, अब कितना आ जाएगा n 25 है, 2 × 25 - 1 49, तो अब फिर से ऑड नंबर आ जाएंगे कहाँ तक 49 तक। तो अब इसको बार बार तो नहीं लिखेंगे, देखो ऑड नंबर्स है, ऑड नंबर इंटू ऑड नंबर कितना होता है, ऑड नंबर आता है, ये भी ऑड नंबर्स हैं, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ऑड नंबर ही आएगा, मुझे दिया है कि आई जो ऑड नंबर है तो उसको मैं पूरा जस्ट ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, तो ये कितना आ जाएगा 2 power 75 25, फैक्टोरियल की प्रॉपर्टी से इसको बाहर निकाल लिया, इसको बाहर निकाल लिया तो अंदर क्या बचेगा 24 बचेगा, ठीक है, होता है ना। देखो जैसे फैक्टोरियल 6 है तो ये क्या होता है 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, तो यहाँ से यहाँ तक देखोगे तो ये क्या लिखा है, फैक्टोरियल 5 लिखा हुआ है। तो अगर आप फैक्टोरियल के नंबर अंदर से कोई एक नंबर बाहर निकालते हो तो अंदर क्या होता है, एक कम बचता है, ठीक है, ये आगे यूज़ होगा आपके, ठीक है, चाहो तो नोट कर लो, ठीक है। तो अगर आप अंदर से कोई एक नंबर बाहर निकालते हो तो अंदर क्या बचता है, एक कम बचता है। उल्टा भी यूज़ होगा कि अगर आप अंदर लिखे नंबर से एक बड़ा नंबर बाहर लिखा है उसको अंदर लेके जाते हो तो अंदर कितना हो जाता है, अंदर वाले नंबर से एक बड़ा नंबर आ जाता है, ठीक है। जैसे 8 factorial 7, ये कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल 8 हो जाएगा, है ना, नहीं तो इधर से इधर करके देख लो, 8 बाहर निकाला फैक्टोरियल 7, तो 8 × फैक्टोरियल 7 को लिख सकते हैं फैक्टोरियल 8 लिख सकते हैं। तो इसी चीज़ को यूज़ किया मैंने, यहाँ से 25 बाहर निकाल लिया, 25 बाहर निकाल लिया तो अंदर कितना बचा फैक्टोरियल 24, और यहाँ पर हमारा ऑड नंबर लिखा हुआ है, 25 × ऑड नंबर भी ऑड नंबर आएगा, 24 को लिख दिया मैंने 2 × 12, ये ऑड नंबर है, ये ऑड नंबर मल्टीप्लाइड होके कोई ऑड नंबर आएगा, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, 2 × 75, फिर इसमें फॉर्मूला लगा दिया 2 × n वाला, तो 2 power 12 फैक्टोरियल कितना बचेगा 12, फिर ऑड नंबर इंटू ऑड नंबर, ये ऑड नंबर आ जाएंगे, फिर इस 12 को लिख दिया 2 × चलो अगली लाइन में लिख लेते हैं 2 power 75 + 12, 5 × 2 = 7, 7 + 1 = 8, 87 आ गया, फैक्टोरियल 12 इसको लिख दिया 2 × 6 ऑड नंबर्स, 2 power 87 कितना हो जाएगा 2 power 6 फैक्टोरियल 6 ऑड नंबर्स, ठीक है, 2 power 87 2 power 6 × 2 × 3 करके लगा दिया तो 2³ factorial 3 ऑड नंबर, ठीक है, यहाँ तक आया समझ में। तो 2 power कितना आ गया फाइनली, देखो 87 + 6 + 3 6 × 3 = 9 + 9 = 16 96 आ गया, है ना, फैक्टोरियल 3 को लिख सकते हैं 3 × 2 × ऑड नंबर, ये 2 भी इधर आ जाएगा, तो 2 power 97 3 × ऑड नंबर भी एक ऑड नंबर है। तो देखो कंपेयर किया मैंने 2 power m × ऑड नंबर, तो i ये लिखा हुआ है, तो कंपेयर करेंगे तो m का वैल्यू कितना आ गया 97, ठीक है, आया समझ। तो इस तरह से ये आया ऑलरेडी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया, मेंस और एडवांस में से रिलेटेड भी क्वेश्चन आए, ठीक है। अब इसको करने का एक चालू तरीका है ना, शॉर्ट तरीका, कैसे करेंगे, तो देखो मैं क्या करूँ, लिख लेना आप इसको, रेस कर देता हूँ, तो मुझे पता है फैक्टोरियल 100 एक बहुत बड़ा नंबर आएगा, बहुत बड़ा नंबर आएगा और उसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा, प्राइम फैक्टराइजेशन होगा तो कौन कौन से फैक्टर आएंगे, 2 की कोई पावर आएगी, अभी हमने निकाल ली 2 की पावर कितनी आ रही है 97 आ रही है ना, 2 power, फिर 3 की कोई पावर आएगी पता नहीं हमें,
फाइव से डिवाइड होगा तो फाइव की पावर आएगी, और सेवन की पावर आएगी, और एलेवन की पावर आएगी, थर्टीन की पावर आएगी, ऐसे कुछ आएंगी, बहुत सारी आएंगी, ठीक है। तो अगर मुझे निकालना है कि टू की पावर क्या होगी, तो आप टू से डिवाइड करते जाओ, टू से डिवाइड करते जाओ, और क्या लिखो, कोशेंट लिखो बस। तो यहाँ तो 50 आ गया, ये जो नंबर आया इसको टू से डिवाइड करो, कितना आएगा 25 को टू से डिवाइड करो, कोशेंट लिखना है तो आएगा, तो कितना आएगा 12.5 आएगा, लेकिन आपको 12 लिखना है। फिर 12/2 6, 6/2 कितना जाएगा 3, 3/2 1, कोशेंट लिखना है बस, 1/2 तो ऑलरेडी कुछ है नहीं उसमें, इन सबको जोड़ दो, 50 प्लस 25 प्लस 12 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 1, इसका सम करेंगे तो 97 आ जाएगा। इसी तरह से तो शॉर्ट में हो गया, तो जल्दी हो गया। 3 की पावर निकालनी है, 3 की पावर निकालनी है तो 3 से डिवाइड करते जाओ, 3 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 33, 33 अपॉन 3 11, 11 अपॉन 3 कितना, हाँ 3 आ जाएगा। फिर 3 अपॉन 3 1, तो ऐड कर देना 33, 11 44, 44 सर 48 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप सबकी पावर निकाल सकते हो। हाँ, तो इस पर एक क्वेश्चन आया, मान लो क्वेश्चन पूछा कि इसमें बताओ कितने ज़ीरो आएंगे, कितने ज़ीरो आएंगे, तो कितने ज़ीरो आएंगे मतलब ज़ीरो कैसे आएगा, कोई भी ज़ीरो कैसे आता है, कैसे आता है, जब टू फाइव से मल्टीप्लाई होता है। तो देखो टू भी है फाइव भी है, तो बहुत सारे टू आए होंगे, बहुत सारे फाइव आए होंगे, ठीक है। जब मल्टीप्लाई होके एक टू एक फाइव से मल्टीप्लाई होता है तो कितने ज़ीरो आते हैं, एक ज़ीरो आता है। तो मैं निकाल लेता हूँ कितने टू हैं, निकाल लिया ऑलरेडी, कितने टू हैं 97 है। मैं फाइव निकाल लेता हूँ कितने फाइव हैं, तो 100 को फाइव से डिवाइड कर दिया, 20, 20 अपॉन 5 4, 4 अपॉन 5 तो कोशेंट है कितने 24, तो 5 की पावर आ गई 24। अब देखो 2 की पावर तो 97 है लेकिन 5 की पावर 24 है, तो अगर मुझे 0 चाहिए तो सारे 5 सारे 2 से मल्टीप्लाई होने चाहिए, तो 5 जो है वो लिमिट में है, तो अगर 24 5 हैं तो 24 ही 2 से मल्टीप्लाई हो सकते हैं, तो 24 2 से मल्टीप्लाई हो सकते हैं, तो 24 2 जब 24 5 से मल्टीप्लाई होंगे तो कितना आ जाएगा 10^24 आ जाएगा, तो कितने ज़ीरो आ जाएंगे 24 ज़ीरो आ जाएंगे। आया समझ में, कितने ज़ीरो आ जाएंगे 24 ज़ीरो आ जाएंगे। तो ये आपका क्वेश्चन था इससे रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड।